हेलो व्यूअर, वेलकम इन स्वास्थ्य आईटी प्रोफेशनल टास्क मैनेजर के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टास्क मैनेजर के बारे में। टास्क मैनेजर होता क्या है और इसको कंप्यूटर में कैसे ऑन करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले व्यूअर, आपके लिए मैसेज है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो को लाइक करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स को जानकारी हो, पता लगे इसके बारे में, वो भी इसका लाभ उठाए। चलिए व्यूअर, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टास्क मैनेजर, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टास्क मैनेजर यानी टास्क को मैनेज करने वाला कोई एप्लीकेशन। ये एक विंडोज का फीचर है। इट इज ए फीचर ऑफ विंडोज दैट इज यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज ऑल टास्क ऑफ विंडोज। ये विंडोज के अंदर मौजूद एक ऐसा फीचर है, हर विंडोज में होता है। तो ये ऐसा फीचर है जो कंप्यूटर में होने वाले सारे वर्क, सारी एप्लीकेशन, सारी प्रोसेस, सारे वर्क जो यूजर इस्तेमाल करता है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, वो सारी प्रोसेस, वो सारे यूजर, वो सारे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, सर्विसेज, सभी को कंट्रोल और मैनेज करता है। कंट्रोल और मैनेज का मतलब है किसी भी प्रोसेस को आप फोर्सफुली से स्टॉप कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो बंद नहीं हो रहा है उसको फोर्सफुली बंद कर सकते हैं, या किसी प्रोग्राम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अलावा किसी प्रोसेस को भी, किसी सर्विस को भी स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूजर्स जो होते हैं उनको लॉग ऑफ कर सकते हैं, स्विच यूजर कर सकते हैं। तो बहुत सारा काम इसके द्वारा हम कर सकते हैं, विंडो परफॉर्म कर सकते हैं। विंडो का एक तरह से मैनेजर है ये, जो सारे टास्क को मैनेज करता है, ठीक है। ये टास्क मैनेजर विंडोज के अंदर ट्रबल शूटिंग के काम में भी आता है। आगे वीडियोस में बताऊंगा सिर्फ ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको ऑन कैसे करते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए कई सारी शॉर्टकट्स की होती हैं और कुछ ऑप्शन भी होते हैं, इससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने यहाँ टाइप करा हुआ है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। ये तीन बटन एक साथ आप प्रेस करेंगे, प्लस का मतलब एक साथ, इसको एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। इसको प्रेस करते ही क्या होता है, आपका सिस्टम जो है स्क्रीन लॉक स्क्रीन दिखाएगा, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्ट टास्क मैनेजर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ये बहुत ही आसान है। इससे आप फटाफट अपने टास्क मैनेजर को तुरंत खोल सकते हैं। यह तीसरा ऑप्शन भी है कि राइट क्लिक ऑन टास्क बार, आप टास्क बार पर राइट क्लिक करें और वहां से ऑप्शन आएगा स्टार्ट टास्क मैनेजर, तो वहां से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दोनों प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। देखिए, पहले मैं आपको ये सेकंड दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट दिखाऊंगा तो मेरी स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये वाला प्रैक्टिकल दिखाता हूँ पहले, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट के कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं टास्क मैनेजर को। देखिए, मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड, ये स्क्रीन कीबोर्ड मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको यहाँ शो कर सकूँ मैं। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, तो देखिए ये टास्क मैनेजर विंडो खुल के आ गई है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एप्लीकेशन, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, नेटवर्किंग, यूजर, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो समझ में आया आपको कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन और समझ लेते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, अगर माउस से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो माउस से स्टार्ट करने के लिए आप ये मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए टास्क बार है, इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक आ रहा है, राइट क्लिक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्टार्ट टास्क मैनेजर। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए फिर से स्टार्ट टास्क मैनेजर हो जाता है, ओके। तो इस तरह हम जाना हमने कि हम कैसे टास्क मैनेजर खोल सकते हैं और टास्क मैनेजर क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।